हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊँगा जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11 की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक से। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं बोरोन के, जिसमें से फर्स्ट कंपाउंड है हमारा बोरेक्स, सेकंड कंपाउंड है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड एंड थर्ड कंपाउंड है हमारा डाइबोरेन। मैं लिखता हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, ये हमारे तीन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन के, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड है हमारा बोरेक्स, सेकंड है ऑर्थोबोरिक एसिड एंड थर्ड है डाइबोरेन। फ्रेंड्स, आपको पता, अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले की। फ्रेंड्स, बोरेक्स का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O, ये हमारा होता है बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला। फ्रेंड्स, ऑर्थोबोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है H3BO3, और आपको पता होना चाहिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH का 4-3, ठीक है ना, क्योंकि आप देखोगे कई जगह हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे, कई जगह ये फॉर्मूले यूज करेंगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं कि ये क्या लिख दिया। इसका मतलब ये हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, ये भी हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड का ही केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड, डाइबोरिन का हमारा फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है फ्रेंड, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं BH3 का 2B, डायबोरिन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारे तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरोन के, और ये उनके केमिकल फॉर्मूले हैं। फ्रेंड, आपको केमिकल फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब फ्रेंड, वन बाय वन हम तीनों कंपाउंड को स्टडी करेंगे। फ्रेंड, आज हम स्टडी करेंगे बोरेक्स को, कि बोरेक्स क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, आज हम बोरेक्स को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बोरोन के फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड की, जो है हमारा बोरेक्स। सबसे पहले मैं फ्रेंड आपको बता दूं, बोरेक्स हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का। हालांकि तीनों ही कंपाउंड इम्पोर्टेंट है हमारे, बट बोरेक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, मैं बोरेक्स को आपको कुछ पॉइंट्स में समझाऊंगा, वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड यही है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है बोरोन का। सारे कंपाउंड इम्पॉर्टेंट है तीनों के तीनों, बट बोरेक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा बोरोन का। अब फ्रेंड, सेकंड पॉइंट ये है कि बोरेक्स हमारा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब ये हमारा वाइट कलर में पाया जाता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे इसे 12th क्लास में, कि आपके दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमोर्फस सॉलिड, ये आप 12th में पढ़ोगे। बट अभी आप इतना याद रखो कि आप ये आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके फ्रेंड, अब फिर इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब भी हम बोरेक्स को हीट करते हैं, मतलब जब भी हम बोरेक्स को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले वो अपने 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, उसके अंदर उसे वो लूज कर देता है। आप साफ साफ देख रहे हो बोरेक्स के अंदर क्या है, 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, ये तो जब उसे गर्म करते हैं तो सबसे पहले अपने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज कर देता है। उसके बाद जब उसे और दोबारा हीट करते हैं तो हमें वो ग्लासी मटेरियल जैसा सब्सटेंस देता है। अगर मैं रिपीट करता हूँ, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो वो अपने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज कर देता है,
और उसके बाद जब उसे फर्दर हीट करते हैं तो हमें वो एक ग्लासी मटेरियल जैसा सब्सटेंस देता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट है। अगेन बोलता हूँ, बोरेक्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब कुछ एग्जाम भी हर बार आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर मार्क भी कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स हमारा। तीनों ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है बोरोन के, ठीक है ना, तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से करने पड़ते हैं, और ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी है, जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया था तो मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट इट लूजेस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव द ग्लासी मटेरियल। जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो अपने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज कर देता है, और जब हम उसे आगे भी हीटअप करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, जिससे हमें ग्लासी मटेरियल जैसा सब्सटेंस मिलता है। अब फ्रेंड अब हम इस थर्ड पॉइंट को एक रिएक्शन के थ्रू भी समझेंगे, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू आपको समझ आएगा। फ्रेंड मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जिससे आपको थर्ड पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको सही हमारा बोरेक्स होता है, एग्जाम में अगर बोरेक्स एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो जब आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो हर एक केमिकल कंपाउंड की जो उसका नाम लिखना है, बोरेक्स है, जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसका आपको नाम जरूर लिखना है। जब उसे हीट करते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं, हमारा 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लूज कर देता है अपने, तो जब वो इन्हें लूज कर देगा क्या बचेगा, यही बचेगा, लूज मतलब होता है छोड़ देता है, तो इन्हें छोड़ देगा क्या बचेगा, यही तो बचेगा हमारा Na2B4O7 बचेगा, क्योंकि उसने क्या किया 10 मॉलिक्यूल पानी के लूज कर दिए। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है Na2B4O7, इसे हम सोडियम मेटाबोलेट बोलते हैं, कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोलेट। अगेन बोलता हूँ, इनके आपको केमिकल नेम एग्जाम में जरूर लिखने हैं, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, जो भी आपका कंपाउंड बन रहा है उसको केमिकल नेम लिख रहा है, लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे हमारा Na2B4O7 बना, ये क्या था, सोडियम मेटाबोलाइट, तो हमने यहाँ पे इस नीचे लिख दिया, आपको भी एग्जाम में लिखना है केमिकल नेम, वरना मार्क्स कट जाएगा आपका। फिर जब हम सोडियम मेटाबोलाइट को फर्दर हीट करते हैं, उसको फर्दर हीट करेंगे तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ डिकम्पोज हो जाता है, जिससे हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, एक तो मिलता है Na2BO2 मिलता है, और एक B2O3 मिलता है, ठीक है ना, दो कंपाउंड यहाँ पे भी मिलते हैं, और यही और ये दोनों कंपाउंड हमारे ग्लासी मटेरियल फॉर्म करते हैं, ग्लासी मटेरियल, ठीक है फ्रेंड, ये दोनों कंपाउंड हमारा ग्लासी मटेरियल फॉर्म करते हैं। ओके, तो अब आपको सर कोई समझ आ गया होगा कि जब हमने बोरेक्स को हीट किया तो उसने फिर 10 मॉलिक्यूल वाटर के लूज कर दी, जिससे हमारा क्या बना, सोडियम मेटाबोलाइट बना, और जब हमने उसे फर्दर हीट किया तो डिकम्पोज हो गया, जिससे हमें दो कंपाउंड मिले, और ये दो कंपाउंड से ग्लासी मटेरियल फॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये थर्ड पॉइंट फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड यही है थर्ड पॉइंट, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है रिएक्शन को। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फ्रेंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब हम बोरेक्स को वाटर में रखते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, मतलब एक्वस मीडियम में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब हम बोरेक्स को एक्वस मीडियम में रखते हैं, मतलब वाटर के
साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर हमारा NOH बनता है प्लस O2 बोरिक एसिड बनता है। फिनिशिंग में आपको रिएक्शन के तो समझाता हूँ। इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम मतलब वाटर के साथ, जो हम बोरेक्स को वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, समझते हैं फ्रेंड? ये आपको बोलते हैं, ये क्या हमारा बोरेक्स है। जब फिर हम बोरेक्स को वाटर में रखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, फिर जब हम बोरेक्स को वाटर में रखते हैं तो हमारा एनएच बनता है प्लस हमारा H3BO3 बनता है। और आपको पता है H3BO3 क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड है। और मैंने आपको सेकंड कंपाउंड क्या बताया था, ऑर्थोबोरिक एसिड बताया था ना, और फॉर्मूला क्या लिखा था, H3BO3, याद आया? तो हमारा H3BO3 क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड। और NaOH आप सब जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब हमने बोरेक्स को पानी में रखा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड मिला। अब एक और बार ध्यान से देखो, आप सब जानते हो NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ऑर्थोबोरिक एसिड क्या हमारा वीक एसिड है। NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ऑर्थोबोरिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। और आप ये जानते हैं मेजोरिटी में से स्ट्रॉन्ग वाले की होती है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बोरेक्स का, वो अल्कलाइन होता है नेचर में, मतलब बेसिक होता है। एक्वस सॉल्यूशन बोरेक्स का अल्कलाइन होता है नेचर में, मतलब बेसिक होता है, ठीक है? मैं ये प्रूफ होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेंस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, हेंस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरोन, सॉल्यूशन बोलते हैं मीडियम बोलते हैं, बात एक ही है, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एंड सॉरी वो बोरेक्स है, जैसे गलती से बाई मिस्टेक बोरोन निकल गया फ्रेंड, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन फ्रेंड, मुझसे गलती से बाई मिस्टेक बोरोन निकल गया, फिर एक्सपेल मिल गई सॉरी, ठीक है? तो ये प्रूफ होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है नेचर में, ठीक है ना, इज अल्कलाइन इन नेचर। तो इस फोर्थ पॉइंट से ये निकल के आया कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बोरेक्स का, वो अल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है? आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट में हमारी टर्म आती है बोरेक्स B.tech। फ्रेंड, ये हमारी बोरेक्स के अंदर इंक्लूडेड है, बोरेक्स B.tech। अब आप फ्रेंड सोचो कि बोरेक्स B.tech होता क्या है, बोरेक्स B.tech, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, बोरेक्स B.tech हमारा बी ब्लॉक के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। बोरेक्स B.tech हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको ये बात भी पता होगी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि बोरेक्स B.tech हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डी ब्लॉक एलिमेंट, और ब्रैकेट में मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दिया है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ये बात आप सब जानते हो। फ्रेंड, अब मैं इस हिसाब से एक एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। फ्रेंड, मैं इस हिसाब से एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड हमारे पास कोबाल्ट है, आप सब जानते हो कोबाल्ट हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोबाल्ट है हमारे पास, हमने क्या किया कि बोरेक्स B.tech अप्लाई किया, बोरेक्स B.tech हमने इसके अप्लाई किया, तो जब हम इसके बोरेक्स B.tech अप्लाई करते हैं इससे हमें ब्लू कलर मिल जाता है, क्या मिलता है, ब्लू कलर मिलता है। जब हमने कोबाल्ट पे बोरेक्स B.tech अप्लाई किया तो हमें ब्लू कलर मिला, तो हम सब जानते हैं कोबाल्ट का कलर ब्लू ही होता है, ठीक है ना? तो इससे प्रूफ होगा कि कोबाल्ट क्या है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि उसका कलर ब्लू होता है और हमें ब्लू ही मिला, ठीक है? तो इस तरीके से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बोरेक्स B.tech से, ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड, यही कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बोरेक्स के, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। और इस पांचों के पांचों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
एग्ज़ाम में इन पांचों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, और इनमें से पांचों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, और कई बार पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है 5 मार्क्स, क्योंकि एक्सप्लेन बोरेक्स, तो आपको ये 5 पॉइंट करके दिखाने हैं वहाँ पर, तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगेन बोलता हूँ, बोरेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा पूरा कंसेप्ट था बोरेक्स का। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि बोरोन के हमारे 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड था हमारा बोरेक्स, सेकंड था ऑर्थोबोरिक एसिड, और थर्ड था हमारा डाइबोरिन। तो फ्रेंड, हमने इस लेक्चर में बोरेक्स को स्टडी किया कि बोरेक्स क्या होता है, क्या क्या उसमें रिएक्शंस होते हैं, हमने उस पूरे कंसेप्ट को स्टडी किया। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड आपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।